दिस इज मुद्रा. सो बेसिकली अभी मैं आर्टेंस से घर पे जा रही हूँ, राइट. सो अगर मैं आर्टेंस की बात करूँ, राइट, आर्टेंस इज बेसिकली अ प्लेस विच इज लाइक स्कूल बट नॉट लाइक स्कूल एट द सेम टाइम. तो वहाँ पे हम लोग क्रिएटिव करते हैं, हम लोग थ्योरी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ फन. हम लोग पढ़ाई में ही भी डिस्कस ऑल्सो क्लास के दौरान ही, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं. एट द सेम मोमेंट इट क्लियर्स आउट. तो कई बार वो नहीं रहता कि यार बोलूँ नहीं बोलूँ वाला चीज़, हमको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है, राइट. सो वी आर अप्रिशिएटेड टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू द टेबल, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़्यादा. इट इज़ रियली नाइस ओवर हियर. हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, लाइक इट्स नॉट इवन लाइक प्लॉजिबल फॉर मी टू काउंट, राइट. यहाँ पे केवल क्रिएटिव या स्किल बिल्डिंग ही नहीं सिखाई जाती, बट काफ़ी सारी चीज़ें, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाउ शुड यू एक्ट इन द सोसाइटी, हाउ टू स्टैंड अप इन द इंडस्ट्री, व्हाट आर इंफॉर्मेशन यू डू नीड टू नो, बहुत बहुत सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर द कॉलेज, वो काफ़ी सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है. उसके अलावा अगर मैं बताऊँ क्रिएटिव में हम लोग न्यूमरस थिंग्स करते हैं, लाइक हम लोग स्कल्पटिंग भी करते हैं, हम लोग पेंटिंग भी करते हैं, हम लोग कैनवासेस भी ट्राई करते हैं. वी आर हमको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है इफ़ वी ट्राई न्यू थिंग्स. यहाँ पे बोर्ड वुड कार्विंग होती है, MDF कार्विंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स. बेसिकली हम लोग बहुत बहुत सारी चीज़ें करते हैं, राइट. उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट वी डिस्कस एट लंच. लंच के टाइम पे हम लोग अकेले अकेले टिफिन नहीं खाते, वी ऑल सिट एट अ टेबल, हम लोग सब डिस्कस करते हैं, वी टॉक अबाउट आवर डेली लाइव्स, वी शेयर आवर थॉट्स, व्हाट वी थिंक दिस इज गोना वर्क. सर कई बार हमसे हमारी ओपिनियंस भी पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, तुम्हें क्या लगता है अपन को कैसे काम करना चाहिए. उसके अलावा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है. हम लोग कई बार जब क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग अ पोर्टफोलियोज, वी लिसन टू म्यूजिक, गुड म्यूजिक हमारी चॉइसेस का, सर की चॉइसेस का. सम डेज हम लोग काफ़ी इंटेंस वर्क भी करते हैं व्हेन वी आर ऑल स्टडिंग और वर्किंग. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट टू बी एट आर्टिस्ट. It literally stands for artists. So basically, I am from fine arts field, right? So I can tell you more about fine arts, what we do in fine arts. So first of all, we practice a lot of still lifes, right? We do it with different mediums, we do it at different times. Sir even promotes us to go outside artists and then draw perspective views, draw people in different mediums again. We are taught how to sketch, gesture drawings and everything. We study human anatomy. We study about the muscles. We study about everything which is there in the human anatomy, etc. Then in fine arts only, we study about photography as well. There are a lot of things that we cover in photography. So we are mostly prepared before going to college. We know a lot of things. So basically, teaches us how to stand up by ourselves rather than making us mug up things. He really teaches us how to understand by yourself, how to work on things by yourself. He gives us guidelines. Basically, we get a lot of reviews of our artworks. So if you're giving any tests, if you're making any artworks, at the same time he gives us reviews on it. What all should be done, how can we improve that, and at the same time he teaches us what all should we do to make them correct, right. Other than that, we also do sometimes printmaking. There are a lot of things that we cover in finance. So before going in the industry, we already have a lot of experience in dealing with things. We also deal with deadlines sometimes so that we get an idea of how we should manage time. Time management is one of the core things that we are taught at Artens, because it is really important to know how to manage your time with how effectively you should work, how much time you should put in a particular artwork. We are taught a lot of things like that. But don't just believe me, don't just believe my word, try it by yourself. Demo classes are available at Artens Art Academy. Do come, do visit.
get an experience. I am sure you will love it here. If you want to contact me, if you want to see my artworks, you can contact me or just pin me at my Instagram handle. That's Mudra Bansal. That's all that I have to say, and hope you enjoy. It's really fun place to come. You can enjoy at the same time you work. So it's really great way to prepare for an entrance. Thank you.